कुलचे को आप पहले थोड़ा से गरम कर लें, थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लें इस तरह से, इसे थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे बाहर, इसको इस तरह से कट कर देते हैं। कटिंग करते हैं इसको, हम ना थोड़ा स्टफिंग कर लेंगे क्योंकि इस तरह ना कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता। इस तरह से हम इसे कर लेंगे अलग, उसमें स्टफिंग कर लेंगे, इसे भी कर देते हैं। तो चलिए अब इसे प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसे तो चलिए अब स्टफिंग करते हैं। पनीर तो हमारा ख़त्म हो गया, तो अब बचिए चटनी। लेटा उठा लेट तो लेट वालों को मिलेगा कुछ डिफरेंट, तो चलिए इस पे मैंने चटनी अप्लाई कर दी है। इसमें थोड़ी स्टफिंग डिफरेंट कर देते हैं, तो मैंने बॉइल्ड पोटैटो इसकी करेंगे स्टफिंग। इसको तो बेटा ना परांठे वगैरह खाता नहीं, तो इसके लिए हमने इसकी स्टफिंग कर देते हैं पोटैटो की। इस तरह से आप इसे स्टफ कर लें, हमने इसको स्वादिष्ट बना देना है, तो इसके बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएंगे। इस पर मैंने थोड़ी सी चटनी मिक्स की हुई है ओनियन के साथ, तो इस पर मिक्स कर देते हैं इसे। चलिए ये हमारी स्टफिंग हो गई तैयार, इस तरह से इसे ये हो गई। इस तरह से मैंने पोटैटो की स्टफिंग कर दी है, दोनों स्टफ कर दिए मैंने। चलिए इसे टोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा तवा मैंने रख दिया है, तवा को थोड़ा गर्म कर दिया है, इस पर हम इसे टोस्ट कर लेते हैं। इस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, तो इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने डिफरेंट स्टाइल से बना लिए हैं, तो चलिए इसे उल्टा देते हैं। वाओ, तो स्टफ कुलचा हो गया तैयार, आप भी बनाइए खाइए संडे स्पेशल कुलचे ही कुलचे। चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर, तो रेडी हो गया हमारा स्टफ कुलचा और यमी यमी। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं इसे। शमी टमाटो के चप तो देखो है, ग्रीन चटनी के साथ दूंगी फिर। बहुत लेट उठते हैं संडे को ना, बच्चों की छुट्टी होती है तो फुल एंजॉय करते हैं छुट्टी का। तो चलिए इसे भी रोस्ट हो गया, तो इसलिए निकाल देते हैं बाहर। वो तो ये भी निकाल देते हैं बाहर, तो यमी यमी रेडी हो गए कुलचे ग्रीन चटनी के साथ स्टफ्ड कुलचे। आलू स्पेशल कुलचा तैयार है, मैं लेके आती हूँ बाकी।
इस पे थोड़ा डालते हैं पिज़्ज़ा। ओ